वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी, फुली फर्निश्ड, काफ़ी लग्जरी वाइब है उसमें। 500 स्क्वायर यार्ड का साइज़ है, जो सेक्टर 55 अंसल्स की शुशान लोक 2 की लोकेशन पे है। मेट्रो की कनेक्टिविटी, हाईवेज, गोल्फ कोर्स रोड सब एडजॉइनिंग है, काफ़ी नियरेस्ट है, मार्केट्स आसपास है। सेक्टर 55-56 का मेट्रो स्टेशन, आपका स्कूल्स, आपके डे टू डे की एक्टिविटीज़ के लिए सोडी स्टोर्स, सारी चीज़ें पास में हैं। सामने एक पार्क है और अगर बात करें तो अप्रोच काफ़ी बढ़िया है। 18 मीटर वाइड की कनेक्टिविटी मिलती है इसको और 18-12 पे है। बहुत ही बढ़िया लेआउट है, वास्तु का काफ़ी ध्यान रखा हुआ है इसमें। अगर हम बात करें लेआउट की तो मैं आपको समझाता हूँ। लेआउट करते ही जैसे हम घर से एंट्री करते हैं इस तरीके से वुडन डोर आता है, बट मैं आपको पहले लेआउट समझाता हूँ। ये इस तरीके से एंट्री है, एंट्री करते ही ये आपको एक लॉबी और डाइनिंग का स्पेस मिलता है। इसी में इस तरीके से आपका स्पेस है। फिर उसके बाद आपका लिविंग रूम, ये सामने की तरफ है, थोड़ा सा सेपरेट करा हुआ है इन्होंने। उसके बाद आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है ये, जो बिल्कुल फ्रंट पे पूरा ग्लेजिंग विंडो के साथ है। उसके बाद सेकंड बेडरूम है, उसके बाद ये आपका किचन इस तरीके से है। ये आपका पाउडर का स्पेस है, ये आपका थर्ड बेडरूम है और जो लिविंग के साथ है वो आपका फोर्थ बेडरूम है। इसमें 4 BHK, 4 वॉशरूम, 1 पाउडर रूम, काफ़ी बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग, पूजा रूम का अलग सेपरेट है नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर मार्किंग के साथ। और इन्होंने वुडन के काम में ना काफ़ी स्पेस का यूटिलाइजेशन करा है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स के मैं साइट्स में क्या होता है, उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया होता है, सारी चीज़ें काफ़ी स्पेशियस होता है, तो क्या होता है वुडन का स्पेस कभी कभार कम रह जाता है। यहाँ पे आप वुडन का स्पेस के अंदर आपको कमी नहीं आएगी, आपको इवन क्रॉकरी यूनिट हो, आपको वार्डरोब एक्स्ट्रा हो, आपको स्पेस के अंदर, मंदिर के अंदर आपको फीलिंग बहुत जबरदस्त आएगी। जो लोग पहली बार आज मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों को रिक्वेस्ट है। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला है, काफ़ी दिनों से रेगुलर्स हम काफ़ी बिजी चल रहे थे अपने शेड्यूल में, तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो पाई क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्यार मिला है। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड, आप लोग तरक्की करें और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखें। आइए चलते हैं। इस तरीके से अगर हम एंट्री के अंदर देखते हैं तो इन्होंने बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल डोर दिया हुआ है, काफ़ी वाइड है आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने विनियर का काम किया हुआ है, इस तरीके से इसका हैंडल है और इसमें डोर सेट की इन्होंने लॉक दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है ना वो थोड़ा सा सटल लुक में है, आपको वुडन के अंदर वॉलनट कलर्स काफ़ी डाला हुआ है और पूरा घर का बेस जो बनाया है वो वाइट कलर के अंदर है। एक बहुत अच्छा बैलेंस लेआउट बनाया है इन्होंने और काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है, सीलिंग काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका किचन से रास्ता आते हुए इस तरीके आपका ये डाइनिंग है। अगर आप चाहें तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद इधर भी और इस तरफ भी काफ़ी स्पेस बचता है। और मैं आपको इसके लिविंग में लेके चलता हूँ, आइए। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसमें इटालियन ड्राइंग डाइनिंग किचन, ये सारी जो रनिंग जो एरियाज हैं जो आपके प्राइवेट जोन नहीं है उन सब में इटालियन का यूज़ हुआ हुआ है और काफ़ी बढ़िया स्पेस है। इस तरीके से आपका या तो पूरा का पूरा लिविंग रूम है, वुडन की पैनल्स की काफ़ी सीलिंग बनाई हुई है उन्होंने इस तरीके से। और ये आपके आई थिंक जो भी आपके पीसीज हैं घर के अंदर डेकोरेशन के, आप यहाँ पे अपना हाईलाइट कर सकते हैं इसको। इन्होंने एक डिजाइनर वॉल के हिसाब से इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है इस तरह। इस प्रॉपर्टी में अभी एसी इंस्टॉल नहीं है, आप लोगों को एसी इसमें मिलेंगे, वो डील टू डील वेरी करता है, बाकी आपकी सारी डिटेलिंग मैं आपको उसके अंदर जरूर बताऊंगा। इस तरीके से फॉल्स सीलिंग भी है और ये डिजाइनर फैंस है इसमें, इस तरीके से डिजाइनर फैंस है, आपको स्पेशल ऑन करके दिखवाया है। इसमें इन्होंने क्यों बैलेंस लेआउट मैंने बोला कि बहुत सारे मैंने फ्लोर देखे हैं, कहीं पर कभी कभार डेडिकेटेड स्टडी रूम नहीं होता, कहीं पूजा रूम की दिक्कत होती है। इन लोगों ने पूरा यूटिलाइज किया है इस प्रॉपर्टी को क्योंकि ये बहुत बैलेंस लग रहा था। और इन्होंने देखिए अब आपको इसमें
इन्होंने स्टडी रूम को बड़ा ही बढ़िया स्पेस दिया है लिविंग के साथ अटैच करके। ये आपका ऑफिस भी बन सकता है और ये आपका स्टडी स्पेस भी बन सकता है। इस तरीके से इन्होंने अगेन पूरा वुडन का वर्क जो है इन्होंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है और काफी मजबूत है। ये इस तरीके से आपके स्पेस है, आप देखिए नीचे उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। यहां पे टाइल्स का काम हुआ हुआ है आप देख सकते हैं और उसी टेक्सचर की आपकी लैमिनेट्स हैं, काफी अच्छी चीज है। और उन्होंने छोटा छोटा टच वॉलपेपर्स का भी दिया हुआ है सो दैट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मैं आपको पूजा रूम के स्पेस पे लेके चलता हूं, आइए। वाओ, देख सकते हैं ये मंदिर है और इटालियन लगा हुआ है इसमें और ग्लास के पार्टीशन के साथ ये हैंडल काफी बढ़िया लग रहा है। ये एक हाइलाइटर वॉल दी हुई इन्होंने। अब मैं आपको इसकी बालकनी में लेके चलता हूं जो कि इसमें जो लिविंग और पूजा रूम है ये, क्योंकि इसकी जो एंट्री है वो अलग डायरेक्शन में है, इसका जो है इसकी बैक साइड के अंदर है, काफी बढ़िया लेआउट निकाला है इन्होंने। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूं इसकी। इसमें वॉलनट कलर के साथ कॉपर का हैंडल्स लगे, कॉपर कलर के हैंडल्स लगे, काफी अच्छे लग रहे हैं। मैच डोर भी है इसमें, वुडन की है। वाह यार, काफी डिसेंट बालकनी है, काफी बढ़िया साइज है, तकरीबन 5 फीट यहां से वाइड है और इधर से आएंगे तो तकरीबन 8 फीट वाइड है। तो ये एक फील लाइक अ डेक, ये आपको काफी अच्छा मिल रहा है। और मैं आपको अभी इसके इसके साथ क्या कनेक्टिविटी है बालकनी के साथ, एक तो आपका आ गया लिविंग रूम और आपका एक बेडरूम, ये आपकी बैक साइड की बालकनी से आ गया। और उसके साथ ही आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है इस तरीके से। अभी काम चल रहा है, अभी काम चलते चलते मैंने इसे शूट कर लिया, मुझे पता था नहीं तो बनते बनते निकल ना जाए। इस तरीके से वॉशिंग एरिया है। ये जो वुडन का वर्क है इस तरीके से है, ये वॉलपेपर है, ये हम लॉबी के पार्ट में है तो इस तरीके से इन्होंने यूटिलाइजेशन दी है, एक्स्ट्रा स्पेस दिया है, यहाँ पे लगा हुआ है सारा और वॉलपेपर है। इस पे पूरे घर में आपको कहीं पर भी वॉलपेपर, जैसे वो मुझे थोड़ा सा टैकी लगा वॉलपेपर, आई डोंट नो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ सकता है और काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी आ सकता है। इसमें मेरी ऑलरेडी बिल्डर से डिस्कशन हुआ है, उन्होंने कहा है कि हाँ मैं अगर चाहो तो मैं कहीं का भी अगर आपको वॉलपेपर चेंज कराना हो तो वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है और इट कैन बी फिक्स्ड। और किसी को स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ आपकी यूटिलाइजेशन करनी है, बिल्डर काफ़ी कॉपरेटिव है क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड कि 500 गज का फ्लोर अगर कोई बाय कर रहा है तो वो एक टेस्ट के साथ आएगा, तो वो टेस्ट अगर उसको हो सकता है कि आपको अगर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए या कम कराना है तो इट कैन बी मैनेज। अब हम इस चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आइए। इस तरीके से हम एंटर करते हैं, ये आपकी बैक है, इन्होंने वास्तु के हिसाब से रखा हुआ है, इन्होंने प्रॉपर वास्तु के हिसाब से सोचा हुआ है। इसमें इनका बैक आ रहा है और इस तरीके से हाइलाइटेड वॉल है और ये आपके हैंगिंग लैंप्स हैं, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट से घर का नेचर चेंज हो जाता है, आप प्रॉपर एकदम बढ़िया फीलिंग आ जाती है। और इन्होंने डायना कलर्स की ही टाइल्स लगाई हैं, आप देख सकते हैं इटालियन लुक में लग रही है बट इट्स टाइल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये इस तरीके से इनकी वार्डरोब्स हैं, इस तरीके से शू रैक्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, आप जो डे टू डे सी एक्टिविटीज की आपकी कुछ चीज़ें आप जो स्टोर कर सकते हैं। और ये कलर सेक्शन इस तरीके से है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये अटैच वॉशरूम, इस तरीके से हमने वॉशरूम में एंटर किया, काफ़ी बढ़िया लुकिंग मिरर आ रहा है इस तरीके से। और ये इटालियन का बेस है आप देख सकते हैं, और यही इटालियन है, टॉप पूरा इटालियन का दिया हुआ है इन्होंने और उसके नीचे छोटा सा वैनिटी दिया हुआ है स्पेस। और ये आपका फिक्स्ड है, आपका इटालियन लुक में है, जैकवार की फिटिंग्स हैं। और टाइल्स अगर हम कलर देखें तो ये मतलब मार्बल लुक के अंदर आ रहा है, इट्स नॉट लाइक इटालियन लुक में नहीं है, क्रीमी कलर में है थोड़ा सा, ऑफ वाइट कलर में। और क्रॉम्पटन के गीजर्स लगे हुए हैं और ये आपकी फिटिंग जैकवार की है।
तो सारा जो इन्होंने कॉम्बो दिया हुआ है मेरे ख्याल से एक जगह कहीं और कोई ब्रांड यूज हुआ है, उसके अलावा सारी जगह जैकवार है। यहाँ पे अभी फिटिंग्स इस तरीके से इन्होंने दी हुई है, ये आपको इस तरीके से बंद होगा, थोड़ा सा उल्टा लग रहा है मेरे को बट ठीक है। जैकवार की फिटिंग्स हैं यहाँ पे, ये भी जैकवार की फिटिंग्स हैं, एग्जॉस्ट क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दे रखता है और ऊपर आपका शॉप है। ये काफी अच्छा लग रहा है, ये बालकनी जो अभी हमने दिखाई थी उसी की साथ की रनिंग बालकनी है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उसके दूसरे बेडरूम में, आइए। ये इस तरीके से पाउडर रूम है आपका, अभी कुछ मैनेज नहीं है, अभी हो जाएगा एक आध दिन में। और अब मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चल रहा हूँ, इस तरीके से आपका सेकंड बेडरूम है अगेन। और ये आपकी बैक है, वो आपका LCD का पैनल, ठीक है। और ये आपका एक हाईलाइटर वॉल है, आपको पूरा का पूरा मेरे को पूरा का पूरा रूम में वॉलपेपर लगाया हुआ है, काफी डिसेंट लग रहा है। और ये वार्डरोब्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव सेक्शन अलमीराज हैं। इस तरीके से इसकी स्पेस है, इस तरीके से आपका। और अगेन नीचे शू रैक का स्पेस दिया हुआ है और इस तरीके से बनाया हुआ है आपका। इसमें वुडन फ्लोरिंग के टेक्सचर के साथ पूरा रूम उसी तरीके से डिजाइनर बना हुआ है। वुडन फ्लोरिंग की टाइल्स हैं, ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है। और ये लुकिंग मिरर लगा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। और इसका जो वॉल पेपर है काफी डिसेंट लग रहा है, काफी अच्छी चीज है। अब मैं आपको इसकी वॉशरूम में लेके चलता हूँ, आइए। इस तरीके से आपका सारा वॉशरूम है, ये आपकी फिटिंग्स हैं, जैकवार की फिटिंग्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और काफी बढ़िया LED का इन्होंने मिरर लगा रखा है, इस तरीके से है टच। अच्छा, जो टाइल्स हैं ये थोड़ी सी डार्क हैं, बट मुझे इसका जो आउटलुक आ रहा है काफी डिसेंट है, क्योंकि 4x2 की टाइल्स हैं और इटालियन टच पे वुडन टच की टाइल्स लग रही हैं, ग्लॉसी लुक में है। गीजर सारी चीजें आप देख सकते हैं, जैकवार की फिटिंग्स हैं, काफी डिसेंट लग रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ऊपर आपका स्पेस दिया हुआ है और जो नीचे टाइल्स हैं वो हैं ब्लू कलर की। डोर काफी बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूं जल्दी जल्दी में। और इस तरीके से आपकी पूरी टाइल्स हैं, ये आपकी जैकवार की फिटिंग्स, ये कैरोविक का ब्रांड है, ये आपका जैकवार है, ये लुकिंग मिरर ग्लास है। अब मैं आपको किचन में लेके चल रहा हूँ, जो लेडीज की सबसे ज्यादा डिमांडिंग आता है कि आप किचन दिखाओ, आइए मेरे साथ। ये सेमी आइलैंड किचन है और काफी बड़ा है, इसमें ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया लुक में लग रहा है। और इन्होंने क्या करा है, एक तो इटालियन का तो काफी अच्छा यूज किया हुआ है, काफी बड़ा है रूम स्पेस इसका किचन का। इसमें कैरासिन का सिंक लगा हुआ है, कैरासिन काफी महंगा ब्रांड है, डार्क कलर में लगा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। और जैकवार की फिटिंग्स है और टाइल व्हाइट कलर की लगाई है इन्होंने, मैट फिनिशिंग में है। इन्होंने पानी का जो स्पेस है, इधर जो है वेट है पूरा एरिया और इधर है पूरा ड्राई एरिया, काफी अच्छा लग रहा है। और ये टॉल यूनिट्स है, इस तरीके से बॉटल यूनिट्स है। ये आपका नीचे एक्स्ट्रा स्पेस आता है जो आप फ्यूचर में डस्टबिन वगैरह में इसमें रख सकते हैं। यहां पे माइक्रोवेव और OTG का स्पेस है जो आपको मिलेगा बाद में, अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ क्योंकि लेबर्स काम कर रही हैं तो कभी और वो मैला कर देती है। इस तरीके से स्टोरेज है, ये हैटिक के फिटिंग्स है, मॉड्यूलर है सारी। और अंदर इन्होंने शीट भी लगा रखी है यूटेंसिल्स के लिए। ये हिंद वेयर का 4 बर्नर हॉब है,
अगेन ये ऑटो सेक्शन है और इसमें ऑटो क्लीन भी है। ये ऑटो सेंसर्ड चिमनी है, काफी बढ़िया लग रही है, हिंदवीर का ब्रांड है, ऑटो सेक्शन भी है इसमें और ये भी काफी अच्छा लग रहा है। इसका जो टॉप है वो क्वार्ट्ज का है और काफी बढ़िया इसमें स्पार्कल लग रहे हैं जो जिससे बहुत अच्छा शाइनिंग लगने नजर आ रही है। उसमें छोटे जो पार्टिकल्स है काफी अच्छे दिखा रहे हैं इसमें। इस तरीके से मैं ये आपको टॉप दिखाया और ये अब आपका एक्स्ट्रा स्टोरेज लिफ्ट टॉप है, काफी बढ़िया है। इसका और इसका कलर मैच होने से काफी मर्ज काफी बढ़िया लग रहा है और ये जो है नीचे ये हाइलाइटर की तरह फील होगा इसमें। और इस तरीके से आपका ये अगेन स्टोरेज क्रॉस वेंटिलेशन ऑलरेडी है ही है, अगेन यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको। ये इसके साथ रनिंग बालकनी है, ये आपको नजर आ जाएगी। इस तरीके से आपकी रनिंग बालकनी है जो आपको मास्टर बेडरूम से कनेक्ट करती है अलग से। और ये एक दो किचन मतलब तीन तरफ से खुल रही है, काफी अच्छी लग रही है, वाइड काफी है। अब मैं आपके इसके थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम में लेके चलता हूँ, पहले थर्ड में फिर फोर्थ में चलते हैं। सॉरी दोस्तों रेफ्रिजरेटर स्पेस दिखाया नहीं। इसमें इन्होंने टैप का स्पेस दिया हुआ है, ये वाटर इनलेट का है, फ्रीजर के लिए है और इस तरीके से आपको डबल डोर में भी स्पेस आराम से आ जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अब मैं आपको थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चल रहा हूँ, आइए। वाह यार सीलिंग जो एक एंट्री पे ना इन्होंने सिंपल काम है, काफी अच्छा लगा हुआ है और काफी बढ़िया लग रहा है। अब हम इसके थर्ड बेडरूम की तरफ एंटर कर रहे हैं। अगेन डायना टच की इटालियन लुक में टाइल्स हैं। इस तरीके से आपकी बैक है, सामने एलसीडी पैनल का स्पेस है, ये लुकिंग मिरर ग्लास साथ दिया हुआ है, ये आपकी स्लाइडर ग्लास में लुक तो ज्यादा नजर आएगी। अब पीछे से देखें इसको काफी बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चलता हूं, आइए। इस तरीके से आपका ग्रेनाइट का टॉप है और ये अगेन सेरामिक का है, ये कैरोबेट की सीट है। इस तरीके से आपकी बाथिंग एरिया है, जैकवार की फिटिंग्स हैं और ये इटालियन टच की टाइल्स हैं जो काफी अच्छी लग रही है इसमें। आप इसको दोबारा देखें काफी बढ़िया लग रहा है, लुकिंग मिरर भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये आपके क्रॉम्पटन का है, फैन दिया हुआ है, ये इस पार्ट को अलग किया हुआ है इन्होंने ना, अच्छा लग रहा है। आइए अब चलते हैं इसके लास्ट और फाइनल मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही। आप इस तरीके से देखिए काफी बढ़िया एलिमेंट लग रहा है और ये पूरा वुडन का काम किया हुआ है, जो वुडन का काम है ना काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉलिश से लेकर एक एक चीज काफी डिसेंट है और बैलेंस लेआउट लग रहा है। और आप देखो क्या वाइब आ रही है यार, मजा ही आ गया। बेडरूम से आपको पार्क नजर आएगा, मजा ही आ गया। आज ये आपकी बैक है और इस तरीके से आपके दोनों के बैलेंस एक एक ये आपकी जो स्टोरेज का काम किया होगा तो डिजाइनर लुक में आ रही है, आपकी अच्छा लगता है। इसमें वुडन काफी ज्यादा काम किया होगा, वुडन का एक एक पैनल एलसीडी पैनल है, ये वाइट पीयू पेंट के साथ इनको बैलेंस किया हुआ है, पीयू पेंट के साथ इसको कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है इसको। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है आपकी और ये आपकी वार्डरोब का स्पेस वाइट और वॉलनट कलर का है। इस तरीके से आपकी स्टोरेज है, ऐसी एक दो तीन सेक्शन है प्रॉपर। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चल रहा हूं, यहां पे आपकी डबल स्टोरेज है। अगेन एक तो आपने बाहर देख ली, एक ये आपके अंदर है, अंदर भी है, सेम इसी तरीके से है। अब आप आइए मैं आपको दिखाता हूं पूरा। ब्लैक कलर का इसका टॉप दिया हुआ है,
ग्रेनाइट कलर में, और ये इसका वॉश बेसिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव। एलसीडी के अंदर उन्होंने एलसीडी टच में तीन कलर में है भाई साहब। इस तरीके से है आपका जैकवॉल की फिटिंग्स है, और ये डार्क ग्रे कलर की टाइल्स हैं, और ये आपका प्रॉपर वॉशिंग एरिया। ग्लास पार्टीशन इन्होंने सारी जगह दिए हैं, एक जगह मुझे लग रहा था नहीं है, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि वो क्यों नहीं है या मिलेगा। क्रॉम्पटन के गीजर, क्रॉस वेंटिलेशन, इस तरीके से आपका आपकी पूरी वार्डरोब का स्पेस इस तरीके से करता हूं तो आपको नजर आ जाएगा। ये आपका लुकिंग मिरर इस तरफ भी है। इन्होंने जो वैनिटीज हैं काफी डिजाइनर रखी हैं सारी जगह, ग्लास काफी अच्छे लग रहे हैं हर जगह। ब्लैक कलर का फैन दिया है, तो ये डार्क होने के बाद भी ना डिजाइनर लग रहा है, काफी अच्छा है। आजकल ये ट्रेंड इन है तो मुझे अच्छा लगा। और इस तरीके से यार लाइट लाजवाब, मजा ही आ गया। और ये आप देखिए, आप इसको देखें, काफी अच्छी वाइब आ रही है इसकी। और एक बार लेआउट को आप देखो दोबारा इस एंगल से, ये लोबी है आपकी डाइनिंग के साथ। वेलकम। आज जो मैंने आपको दिखाई वो 500 स्क्वायर यार्ड का 4 BHK काफी बढ़िया लग रहा, मुझे काफी अच्छी वाइब आई इसमें, क्योंकि इसका जो लेआउट है वास्तु के अकॉर्डिंग था। अब इसकी जो इसमें जो मुझे हल्की सी जो कमी लगी वो लगी वॉलपेपर्स, ऐसा है दो रूम्स में तो मुझे लगा कि मैनेजेबल है, अच्छे लग रहे हैं, बट एक जगह जो ड्राइंग रूम है और एक बेडरूम है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टैकी लगा। बट ये इट कैन बी फिक्स, अब एक बार विजिट करने आओ, बिल्डर से अपना मन बनाओ, कोई आपको इसमें काम कम कर रहा है ज़्यादा लग रहा है वो आप दे सकते हो। स्टोरेज में आपको कमी नहीं हो सकती, वुडन के काम में आपको कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मजबूत काम किया है। एक तो होता है कि आपने खाली पल्ले लगा दिए कर दिया काम, इन्होंने काफ़ी मजबूती का काम किया हुआ है। और बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, एक ही बाथरूम मुझे थोड़ा छोटा लगा, वो आप आएंगे देख सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, गोल्फ कोर्स रोड के जस्ट नियरेस्ट है, और सेक्टर 55-56 के मेट्रो के आसपास है। और अगर इसमें मार्केट्स की बात करें तो दो मार्केट्स बहुत नियरेस्ट है, 55-56 की मार्केट और 55 की मार्केट, दोनों आसपास ही हैं। हॉस्पिटल पास में है, साइबर हब 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे आप मान के चलो, साइबर हब की कनेक्टिविटी है। और धोलाकुआ भी काफ़ी सीधी रोड पे है विदाउट एनी रेड लाइट। अब हम आपको जो इसमें बताना चाह रहे हैं वो ये है कि एक बार जब आप विजिट करेंगे तो आपको इसमें प्लस माइनस जो भी आपको लगता है तो वो फिक्स हो सकता है। और इसमें हमने ना काम करने से पहले, फिनिशिंग से पहले आ गए हम यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि यार अभी इसमें अवेलेबिलिटी है तो यार मैं इसकी शूट कर लूँ, ऐसा ना हो जब तक मैं कोई शूट करूँ कोई और आके इसकी वीडियो बना दे तो मेरे को आके बनानी पड़ी इसकी। और इसमें पार्किंग बहुत एम्पल ऑफ स्पेस है, 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर काफ़ी बड़ा पार्किंग का स्पेस मिलता है। लिफ्ट डिज़ाइनर है, अभी इंस्टॉल हो रही है। इसमें एसीज आपको इंस्टॉल करके मिलेंगे, अभी कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी है। किचन में अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब आप इसके अंदर जो इसके इक्विपमेंट्स हैं और इंस्टॉल हो जाएंगे तो और ग्रेसफुल आएगा। फ्रंट की एलिवेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, बैक साइड का बालकनी काफ़ी अच्छी है, ड्राइंग डाइनिंग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए, इन्वेस्टर परिवार के सदस्य को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग मेरी वीडियोस इसी तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और इसी से बूस्ट मिलता है, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए ला के दिखाता रहूँगा। प्राइस आपको इसके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव मिलेगा, आप इसकी डिटेलिंग्स में आपको नज़र आ जाएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।